नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काकोरी बलिदान दिवस पर आयोजित भव्य ड्रोन शो में लिया प्रतिभाग। महानगर में 3 रैन बसेरों का किया निरीक्षण। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। मंगलवार को जनता दरबार में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद। दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी ने किया महानगर में 3 रैन बसेरों का निरीक्षण। ठहरे जरूरतमंदों में वितरित किया भोजन। रैन बसेरों में रुकने वाले नागरिकों से व्यवस्था के लिए जानकारी। कहा, हर जरूरतमंद को दे रैन बसेरे में अच्छी सुविधा। रैन बसेरों के बाहर अन्य जरूरतमंदों को भी मुख्यमंत्री के हाथों मिला भोजन व कम्बल का संबल। काकोरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में हुआ देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पीएम मोदी के पंच प्रणों से जुड़े हर एक नागरिक। गैंगस्टर एक्ट के तहत गोपाल यादव और सहयोगी नीरज यादव की 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया जब्त। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इंद्रपाल बिहार से महानगर में निकाला गया भारत जोड़ो यात्रा। कहा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का किया जा रहा है कार्य। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थली जिला कारागार पर जाकर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा, जब जब देश पर संकट आया है, मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के बचाई है देश की अस्मिता। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के समापन के अवसर पर एमजे इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में गोरखपुर के जेल में श्रद्धांजलि सभा एवं यज्ञ हवन का किया गया आयोजन। शहीद अशफाक उल्लाह खान के पौत्र अशफाक उल्लाह खान ने कहा, आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्हें नमन। और काकोरी एक्शन में बलिदानी वीर सपूतों के स्मृति में काकोरी क्रांति बलिदानी नायकों का श्रद्धा पर्व विषय पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, काकोरी के बलिदानी वीर अमर शहीदों ने आजादी की खातिर दिया था बलिदान, जिससे आंदोलन को मिल सके एक नई दिशा। अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। गोरखनाथ मंदिर पहुंचते ही सर्वप्रथम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ का पूजा अर्चन किया। तत्पश्चात मंदिर में स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ के समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तारामंडल दिग्विजयनाथ पार्क में पर्यटन विभाग द्वारा काकोरी बलिदान दिवस पर आयोजित भव्य ड्रोन शो में भाग लिया और ड्रोन शो का लुत्फ उठाया। सोमवार की देर रात महानगर के 3 रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। मंगलवार को मंदिर में जनता दरबार लगाएंगे और फरियादियों की समस्याओं को सुनेंगे। दोपहर बाद लखनऊ के लिए रवाना होंगे। Yeah.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर जरूरतमंद को रैन बसेरों में अच्छी सुविधा दी जाए। प्रशासन इसे प्राथमिकता पर लेते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी रैन बसेरों में पर्याप्त संख्या में बिस्तर व कंबल का इंतजाम हो, साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यदि किसी के पास भोजन की व्यवस्था नहीं है तो उसे भोजन भी उपलब्ध कराया जाए। सीएम योगी ने ये निर्देश सोमवार रात महानगर के 3 रैन बसेरों के निरीक्षण करने के दौरान दिए। उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास, कचहरी बस स्टेशन के पास तथा झूलेलाल मंदिर के पास बने रैन बसेरों का निरीक्षण कर तथा वहां ठहरे लोगों से बातचीत कर उपलब्ध सुविधाओं की पड़ताल की। इस दौरान उन्होंने अपने हाथों से जरूरतमंदों में कंबल व भोजन का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री ने 3 रैन बसेरों के बाहर भी जरूरतमंद लोगों में उच्च गुणवत्ता के कंबल व भोजन का वितरण कर उन्हें आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सीएम योगी ने रैन बसेरों में ठहरे सभी लोगों से आत्मीय संवाद किया। कोई डॉक्टर को दिखाने के लिए तो कोई परीक्षा या अन्य कार्य से गोरखपुर आया था। मुख्यमंत्री ने उनसे यह भी पूछा कि यहां रैन बसेरों में कोई परेशानी तो नहीं। सबने व्यवस्था को लेकर संतोषजनक जवाब दिया। रैन बसेरों का निरीक्षण करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिला प्रशासन व नगर निकायों को निर्देशित किया गया है कि रैन बसेरों का व्यवस्थित संचालन करें। इसमें स्वयंसेवी संगठनों की भी मदद ली जाए। कोई भी बेसहारा या जरूरतमंद सड़कों पर छुटुरता ना दिखाई पड़े, उनके ठहरने की सम्मानजनक व्यवस्था कराई जाए। इसके साथ ही शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हर जरूरतमंद को कंबल व ऊनी कपड़े उपलब्ध कराए जाएं। हर जगह पर पर्याप्त अलाव की व्यवस्था हो। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कुशल क्षेम और जरूरतों के बारे में पूछे जाने पर रैन बसेरा में ठहरे लोग भाव विह्वल हो गए। उन्हें सहसा यकीन नहीं हो रहा था कि प्रतिकूल मौसम में उनके ठहरने और भोजन की जानकारी लेने खुद मुख्यमंत्री उनके पास आए हैं। रैन बसेरों में ठहरे लोगों का कहना था कि जब बाबा योगी आदित्यनाथ खुद उनकी सुध ले रहे हैं तो उन्हें किस बात की दिक्कत होगी। रैन बसेरों के निरीक्षण के दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह समेत प्रशासन, पुलिस व नगर निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए रैन बसेरों में रुके नागरिकों, हिंदू युवा वाहिनी के पूर्व प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पीके मल और महापौर सीताराम जायसवाल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। कहाँ मतलब इसमें सुधार संपर्क करिएगा, ठीक है आ गए तुम्हारा दे नंदी करी सर अंकित पीछे करना, ठीक है ठीक है ठीक है, इसीलिए तो पीछे कर भैया मोबाइल वाले टोपी जी, भाई साहब डाउन हो जाइए भाई साहब। सर थोड़ा हटिए तो बने कम ना, भैया थोड़ा आने दो, अरे यार अरे जी बड़ा बेटा कुछ तो होता ना,
है लोग बना रहे हैं बस बस लोग पकड़ो थोड़ा सा ऊपर से अरे जहाँ से इंजन मिलेगा दादा पीछे हो जाइए हु आ रहा है थोड़ा सा बस बस ठीक है इतना हो गया एनआई मोही अंदर फ्रेम मोही बिना भैया गए अरे भैया भैया खड़ा मत होइएगा भैया थोड़ा सा पीछे हट जाए भैया तो ये जो निखिल कैमरा ऑन करो महाराज जी उधर से भी देना शुरू कर
ठीक है जी जी उधर से लाइए। आपका कहाँ घर है? संभल से क्या है बताए, कैसे आना हुआ? हमारी बहन आई है यहाँ। आप कहाँ से आए हैं? आपका कहाँ घर है? आप कहाँ से आए? आपका कहाँ घर है? कैसे आए? आप कहाँ से आए? जीनक अच्छा लगा सर। महाराजगंज के मजदूरी वजदूरी करते हैं सर, मजदूरी चीजें दी है। ये बताइए अभी महाराज जी ने आपको क्या क्या चीजें दी हैं? अच्छा अच्छा हुआ, अच्छा लगा। लव कुश, हाँ कम्बल दिए हैं, खाने के लिए दिए हैं, है जगह बेला के जमुआड़ गांव के, यहाँ पर जो है घूमते हैं, खाते हैं, दो पैसा कमाते हैं। विनोद पवार सर, यहाँ की व्यवस्था के बारे में पूछा गया, यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इसका क्या क्या आपको बेनिफिट हुआ, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ वगैरह तो नहीं है, और इन्हीं सब के बारे में पूछा गया। मैं बरेली से आया हुआ हूँ, मैं कल शाम को आया था, एग्ज़ाम के सिलसिले में आया था, तो एग्ज़ाम में टाइम लगना था इसलिए थोड़ा रहने के लिए हो गया था। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ? मैं दूसरी बार रहने आया हूँ यहाँ, इससे पहले भी रहा था, तो मुझे और रैन बसेरा से ये थोड़ा बेटर लगा, यहाँ फैसिलिटी और सफाई वगैरह बढ़िया थी। विवेक शर्मा, मुख्यमंत्री जी रैन बसेरे के बारे में पूछ रहे थे, अच्छी व्यवस्था है, कम से कम रात में लोगों को ठंड से बचने के लिए यहाँ रुकने के लिए अच्छा अल्टरनेट सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। हम मुख्यमंत्री से गुहार करेंगे कि जिस तरह से गोरखपुर में है, उसी तरह उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं उन जिलों में भी इस तरह की व्यवस्था की जाए, ग्रामीण इलाकों के जो छोटे छोटे टाउन हैं वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था की जाए, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रात को कहीं रुके उसे रुकने में कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो। यहाँ की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, प्रॉपर कंबल है, बेड है, बेडशीट वगैरह है, सारी चीज़ें व्यवस्था। आज मैं अभी आया हूँ तुरंत, इसके पहले भी मैं यहाँ आके रह चुका हूँ, व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया रहती है, रुकने उकने में कोई किसी को दिक्कत नहीं होती है। हमारा अजय प्रताप सिंह नाम है, हम SIS के गार्ड हैं। सर हमसे बात हुई, उन्होंने जानकारी पूछा व्यवस्था के बारे में, कैसी ठंडी में व्यवस्था मिल रही है, तो महाराज जी की कृपा से यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था मिल रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पहले से 100% अब बहुत अच्छी व्यवस्था मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं महाराज जी के रहते हुए। क्या क्या मिला हम लोग के? मुख्यमंत्री जी के आने के बाद खाना मिला, पानी मिला, सारी व्यवस्था मिली, सारी यहाँ रजाई गद्दा, कोई दिक्कत नहीं है, कुल मिला के सब बढ़िया है, महाराज जी की कृपा है। बस हम गोंडा जिला के रहने वाले, मनकापुर, यहाँ जॉब करते हैं सुरक्षा विभाग में। चंदू यादव, आजमगढ़ जिले से, बस रैन बसेरन सर रुके हैं कचहरी के पास। हाँ जी सर, उन्होंने कहा कि पूछा कि यहाँ का कैसा व्यवस्था है, हमने कहा यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे। नहीं बस व्यवस्था के बारे में पूछे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमको नहीं कोई दिक्कत परेशानी, बस वही मिठाई वितरण की। राजेंद्र गुप्ता, कहाँ से है? सलमगढ़ बाजार, कुशीनगर जिला। कुशीनगर जिला, आज मुख्यमंत्री आए थे, मिले हैं, क्या कहें? क्या कहें, अच्छा व्यवस्था दिए। व्यवस्था के बारे में क्या पूछा? व्यवस्था तो बड़ी है। क्या कुछ दिए भी हैं? नहीं नहीं किए हैं, खाना पीना सब कुछ दिए। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। श्रवण, कहाँ से है? गोरखपुर ग्रामीण से। क्या काम किया था सर? सचिन न्यायालय में मुकदमा पेंडिंग है, उसी के दौरान आए थे। हाँ मिले, और यही कहें कि व्यवस्था यहाँ का ठीक ठाक है, हमने कहा ठीक है। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत आभारी हैं उनके, कुछ दिया उन्होंने। हाँ खाना भी दिए हमको,
खाने के लिए खाना दिए। पूनम पांडे कहाँ से आई है? बात करेंगे लोगों से। ताना मंडल से आए हैं। क्या वजह यहाँ पर रुके? यहाँ हम रुके नहीं हैं, यहाँ हमारा तो महिला टेकर हैं हम यहाँ की। अच्छा, यहाँ से हाँ नहीं आए हैं, मिले हैं हमसे, देख के संतुष्ट हुए हैं, फिर कहें बैठिए, व्यवस्था सब ठीक ठाक है यहाँ का। आए इससे पहले भी ऐसी व्यवस्था रहती थी कि नहीं? इसके पहले भी रहती थी जी। कुछ महाराज जी गरीबों की चिंता करते हैं जाड़े के समय। इस समय दूर दराज से आए हुए गोरखपुर शहर में कचहरी में लोग आते हैं, डॉक्टर के पास आते हैं इलाज कराने के लिए, और कभी उन्हें यहाँ पे रात में रुकना पड़ता है। कितनी स्थिति ठंडे में उनकी दयनीय हो जाती है, उसका सुविधाजनक एक यहाँ पे रैन बसेरे पे उन्होंने व्यवस्था कराई है, उसी व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए आए हैं। और बहुत सारे यात्री जो रात में यहाँ पे निवास किए हैं उनसे उन्होंने बात की है, उनका दुख दर्द बांटा है, और तो बहुत अच्छा हम लोगों को लगा कि वो बीच बीच में ऐसे हो समय अपना देते हैं इन लोगों के लिए। महाराज जी गरीबों की बहुत चिंता करते हैं, वो चाहते हैं कि कोई भूखा ना रहे, कोई जाड़े के दिन में बिना कंबल और बिस्तर के ना रहे। और आज उन्होंने नगर निगम द्वारा संचालित रैन बसेरा जो आप यहाँ पर हम लोग खड़े हैं कचहरी बस स्टेशन पर उसका निरीक्षण किया है, और यहाँ के लोगों से एक एक करके जानकारी लगी है कि व्यवस्था कैसी है। यहाँ पर हमारे नगर निगम के अधिकारी, हमारे पार्षद और भी यहाँ के गणमान्य लोग उपस्थित थे, उन्होंने व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त किया है और नगर निगम को धन्यवाद दिया है कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो लोग यहाँ उपस्थित थे उनको खाने का पैकेट और कंबल भी मुख्यमंत्री ने दिया है। मैं अपने नगर निगम के सभी नगर निगम परिवार के तरफ से महाराज जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आभार। हर ज़रूरतमंद को जो भी बेसहारा हो या कहीं बाहर से आया है, बोला भटका है, सड़कों पर पटरियों पर ठिठुरता हुआ न दिखाई दे, उसे रेन बसेरों में पहुंचाने की व्यवस्था करें और वहां पे उन्हें सम्मानजनक ढंग से रहने की व्यवस्था करें। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र हर जरूरतमंद को कंबल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, ऊनी कपड़े उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं, और तीसरा सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने के लिए भी। आज मैं यहाँ पर तीन स्थानों पर रेन बसेरों का निरीक्षण मैंने किया है। प्रदेश भर में हर एक नगर निकाय में पर्याप्त संख्या में रेन बसेरे बनाए गए हैं, जिन्हें नगर निकाय, शासन की एजेंसियां, राजस्व विभाग के द्वारा और कुछ जगह स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से उन्हें संचालित किया जा रहा है, जिससे संभावित भीषण शीतलहरी को ध्यान में रख करके हर एक व्यक्ति को हम पुख्ता व्यवस्था दे सकें। आज मैंने यहाँ पर तीन स्थानों पर उसका निरीक्षण किया है। प्रशासन भी और नगर निकाय भी पूरी तत्परता के साथ शासन के उस निर्देशों के अनुरूप कार्य भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए पंच प्रणों पर आगे बढ़ते हुए विरासत पर स्वाभिमान करने वाला सशक्त व आत्मनिर्भर भारत दुनिया को नेतृत्व व सुरक्षा देते हुए लोक मंगल की भावना से विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा। हर नागरिक का दायित्व है कि वह क्रांतिकारियों के सपनों के अनुरूप एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए पीएम मोदी द्वारा दिलाए गए पंच प्रणों से जुड़कर खुद को तैयार करें। सीएम योगी सोमवार की शाम काकुरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में आयोजित देश के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन शो में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। रामगढ़ ताल के सामने स्थित महंत दिग्विजयनाथ स्मृति पार्क में आयोजित 750 ड्रोन की कलाबाजियों से अमर बलिदानियों की शौर्य गाथा प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आज भारत दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभरा है। यह हर नागरिक के लिए
गौरव का विषय है कि अपना देश 200 वर्षों तक शासन करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिसंबर से अगले वर्ष 30 नवंबर तक विश्व के 20 प्रभावशाली व ताकतवर देशों के समूह G20 का नेतृत्व कर रहे हैं। ये विश्व के वे 20 देश हैं जो दुनिया की 85% GDP, 75% व्यापार, 60% आबादी व 90% इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधिपत्य रखते हैं। काकोरी ट्रेन एक्शन के नायकों पंडित राम प्रसाद विस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहड़ी, चंद्रशेखर आजाद समेत सभी ज्ञात अज्ञात अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रथम स्वतंत्रता समर 1857 से लेकर 1947 में देश को आजादी मिलने तक उत्तर प्रदेश का कोई जिला या कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ना लिया हो। उत्तर प्रदेश क्रांति की हर गाथा का गवाह है। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर उत्तर प्रदेश की धरती के लाल मंगल पांडे की हुंकार से बैरकपुर से प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में अमर बलिदानी बंधु सिंह ने उसी क्रांति की लौ को आगे बढ़ाया। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से तो धन सिंह कोतवाल मेरठ से क्रांति के इस अभियान से जुड़े। 1922 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किसानों, मजदूरों, नौजवानों व आम जनता ने चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को अंजाम दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जोहरिया में ऐतिहासिक आंदोलन हुआ। काकोरी बलिदान दिवस पर काकोरी ट्रेन एक्शन का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि भारत के खजाने को बाहर भेज रहे ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों ने लखनऊ के काकोरी नामक स्थल पर इस क्रांति को अंजाम दिया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने पंडित राम प्रसाद विस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लहड़ी जैसे क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया था। पंडित राम प्रसाद विस्मिल को गोरखपुर जेल में रखा गया और 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई। अशफाक, रोशन व लहड़ी जी को अयोध्या, प्रयागराज व गोंडा में फांसी दी गई। ब्रिटिश हुकूमत इतनी भयभीत थी कि उसने लहड़ी जी को 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटका दिया। पर इन बलिदानियों की क्रांति ज्वाला और तेजी से बढ़ती गई और अंततः 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। उन्होंने कहा कि काकोरी में 46 रुपए का ही खजाना लूटा गया था, लेकिन क्रांतिकारियों को पकड़ने में ब्रिटिश सरकार ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए। क्रांतिकारियों को मुकदमा पूरा सुने बिना ही फांसी की सजा दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथ नहीं आए और उन्होंने स्वयं ही अपने बलिदान कथा लिखी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार क्रांतिवीरों की प्रेरणा से कार्य कर रही है। पीएम मोदी के पंचप्रणों में से एक की हर भारतीय गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा और विरासत का सम्मान करेगा, इसी प्रेरणा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ का नव्य भव्य एवं दिव्य स्वरूप हो या फिर बलिदानियों से जुड़े स्थलों पर भव्य स्मारकों का निर्माण, यह विरासत के प्रति सम्मान का ही प्रतीक है। डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में क्रांतिकारियों की प्रेरणा को जीवंत बनाने के लिए अनेक कदम उठा रही है। गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद विस्मिल का भव्य स्मारक बनाया गया है। गोरखपुर चिड़ियाघर का नाम अमर बलिदानी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर किया गया है। गोरखपुर में ही ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र का नाम अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर के बड़हलगंज में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का नाम स्वतंत्रता के अमर सेनानी राजा हरि प्रसाद मल के नाम पर रखा गया है। इस अवसर पर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि क्रांतिकारियों और महान तपस्वी की धरा गोरखपुर में देश का सबसे बड़ा व भव्य ड्रोन शो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से संभव हुआ है। उनके नेतृत्व में हर मोर्चे पर प्रदेश की तेजी से हो रही प्रगति देख ऑस्ट्रेलिया जैसा देश अपने यहाँ योगी जी जैसा नेता चाहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन सरकार ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को विश्व फलक पर स्थापित किया है। आज पूरा विश्व भारत को आशा भरी नजरों से देख रहा है। हाल के अपने विदेश दौरे का अनुभव साझा करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि जापान और कोरिया जैसे देश डबल इंजन सरकार की खूबियों से बेहद प्रभावित है और अपने यहाँ भी इसी तरह की सरकार की आवश्यकता महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम से अपराधी थर थर कांपते हैं। सुरक्षा के माहौल में प्रदेश विकास के पथ पर त्रिविगति से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद
सांसद रवि किशन शुक्ल ने कहा कि यूपी के इतिहास में गुरु गोरक्षनाथ जी की धरती पर बलिदानियों की याद में यह अभूतपूर्व आयोजन सीएम योगी की प्रेरणादायी सोच का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हम सबको गलत इतिहास पढ़ाया गया, पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में अब सत्य का इतिहास सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश बिस्मिल, अशफाक और रोशन जैसे महान सेनानियों की माटी है। यूपी की धरती पर ऐसा भव्य ड्रोन शो कभी नहीं हुआ था। इसका साक्षी बनना गोरखपुर के लोगों का सौभाग्य है। सांसद ने भोजपुरी बोली में लोगों का जोश बढ़ाते हुए कहा, अभी तवांग में चीन के बढ़िया से कुटाई भइल, ई देखी के पाकिस्तान बिलबिलात बा। आभार ज्ञापन प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति मुकेश मेश्राम ने किया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक विपिन सिंह, फतेह बहादुर सिंह, श्री राम चौहान, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर विमलेश पासवान, भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से आप सभी की जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन है। हम सबके मध्य लोकप्रिय और प्रसिद्ध लोक गायक श्री राकेश श्रीवास्तव जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति पर आधारित ये गीत प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे परम पूज्य महाराज जी के चरणों में हम वंदन करब, अभिनंदन करब महाराज जी कि आज ये धरोहर जो भारत की है, वो बच्चे आज यहाँ पे गोरखपुर के हैं, बहुत सारे युवा हैं, कार्यकर्ता गण हैं, सबके लिए काकोरी बलिदान दिवस एक आज एक ऐतिहासिक रात होगी। ये शाम जो आप लोग यहां से लेके जाएंगे, बहुत कुछ पूंजी कमा के जाओगे आज। वो देखिए थोड़ा देर में क्या हुई, हम ऐसे महाराज जी के धन्यवाद कहा महाराज जी कि क्या शानदार तरीका से सोचला ये बलिदान दिवस खातिर। इससे शानदार कुछ हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश के इतिहास में गोरखपुर की धरती पर जो आज मंजर होगा कुछ समय बाद, यह आपके दिल पर एक ऐसी छाप छोड़ कर जाएगा। आज इतना कुछ यहां से लेके जाओगे और समस्त भारत जो देख रहा है और देखेगा कुछ पल बाद, उत्तर प्रदेश देख रहा है, मेरी युवा पीढ़ी जो देख रही है, देखेगी कुछ समय में इस गोरखपुर के गोरक्षनाथ बाबा की धरती पर आज एक इतिहास होने जा रहा है। बहुत कुछ लेके जाइबा हो। धन्यवाद महाराज जी, दिल से धन्यवाद आपके। पवित्र भूमि पर खड़े हुए हैं जिसने देश की आजादी के लिए और जिसने पूरे देश और प्रदेश को आध्यात्मिक और धार्मिक क्षेत्र में नई दिशा और दशा देने का काम किया है। आज हम उन अमर शहीदों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ त्याग करने का काम किया, बलिदान देने का काम किया, कुर्बान करने का काम किया, ऐसे महान सपूतों के याद में आज अभूतपूर्व रूप से ड्रोन शो आयोजित करने का काम कर रहे हैं।
और देश का ऐसा सबसे बड़ा ड्रोन शो आपके सामने प्रस्तुत होगा। इसके लिए मैं अपनी ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने आज पूरे प्रदेश और देश को आज़ादी के महान सपूतों की याद में एक ड्रोन शो करने का निर्णय लिया, और वो भी गोरखपुर की इस महान धरती पे निर्णय लिया, जो राम प्रसाद बिस्मिल जी के लिए हमेशा पूरा भारत जिनके याद करता है, जिनके कुर्बानियों को याद करता है। साथियों, केवल हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे इतिहास को बदलने का प्रयास किया जाता रहा, लेकिन आज वास्तविक इतिहास हमारी राष्ट्र देश की सरकार, प्रदेश की सरकार आपके सामने लाने का काम कर रही है। आज भारत आध्यात्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से तो निश्चित रूप से आगे बढ़ ही रहा है, उसका संदेश पूरे विश्व में एक महान ताकत के रूप में पुरानी विरासत के साथ, पुरानी भारत की पृष्ठभूमि के साथ जा रहा है। उसके साथ ही साथ हर मोर्चे पर भारत की विकास की यात्रा, भारत की रक्षा तैयारियों की बात करें या अन्य किसी भी क्षेत्रों में, आज भारत बहुत आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर आज जिस तरीके से भारत की संस्कृति को, भारत की विरासत को, भारत के इतिहास को विश्व के लोग विश्व पटल पर जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण हम लोग यात्रा करके लौटे हैं विभिन्न देशों की, कोरिया जापान की धरती पर हम लोगों को जाने का सौभाग्य सरकारी प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जाने का मिला। वहां भी आज याद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नेता जब आते हैं तो जब वो लखनऊ की धरती को पधारते हैं तो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को भी एक योगी आदित्यनाथ जैसे नेता की आवश्यकता है। आज हम जापान की धरती पर जाते हैं तो वहां कहते हैं कि हिंदुस्तान में डबल इंजन के सरकार के रूप में देश और प्रदेश की सरकार के आदरणीय मोदी जी और योगी जी की आवश्यकता जापान के लोगों को है। आज जापान के लोग हों, कोरिया के लोग हों, विभिन्न उन देशों के लोग हों, बल्कि मैं कह सकता हूं कि पूरा विश्व आज आशा भरी नजरों से हिंदुस्तान की ओर देख रहा है। ये हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे बलिदानियों ने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ते हुए जिन गौरों से आज़ादी लेने का काम किया, आज भारत का सौभाग्य है उन गौरों से ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान बनने में कामयाब हुआ है। ये हिंदुस्तान की बड़ी उपलब्धि है। मैं इस उपलब्धि पर आप सबको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि डबल इंजन की इस सरकार में हम बहुत आगे जाएंगे। आदरणीय योगी जी के सानिध्य में, नेतृत्व में हमारा उत्तर प्रदेश उस हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बन करके हिंदुस्तान को हर क्षेत्र में, हिंदुस्तान के हर राज्य से सबसे प्रथम राज्य बनने का सपना पूरा करेगा। और मैं समझता हूं ये सौभाग्य न सिर्फ उत्तर प्रदेश का होगा बल्कि खासकर इस तपोभूमि का, बलिदानियों की भूमि का, गोरखपुर का है, जिन्होंने ऐसे महान संत को आप सब लोगों ने उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने का मौका दिया है। आज हम धन्य हैं, आभारी हैं आप सब लोगों के, जिनके बीच से उभर करके, जिनके बीच से निकल करके आदरणीय महाराज जी जैसा नेतृत्व उत्तर प्रदेश को दिया है, जिसको आज पूरा राष्ट्र नहीं पूरे विश्व में बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है। और थर थर कांपते हैं वो आतंकवादी, वो अपराधी, वो जमीनों पे कब्जे करने वाले माफिया थर थर कांपते हैं। उनकी जगह या तो जेल के छींकचों के अंदर या ऊपर बनाने का काम किसी ने किया है, तो उनका नाम है आदरणीय महाराज योगी आदित्यनाथ जी। मैं उनको प्रणाम करता हूं और सम्मानित मंच को एक बार बहुत बहुत अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए अपनी ओर से इस आयोजन के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री का अपनी बात को विराम देता हूं। आप सब लोगों को नमन और प्रणाम करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर कुछ ही देर में होने वाले भव्य ड्रोन शो के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, गोरखपुर
लोकप्रिय सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, मान्य विधायकगण श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राजेश त्रिपाठी जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री मुकेश मिश्राम जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से उपस्थित सभी राष्ट्रभक्त नौजवान भाइयों बहनों, आज काकोरी बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर देश के क्रांतिकारियों ने जिस भारत के खजाने को ब्रिटिश सरकार बाहर भेजना चाहती है उसे लूट करके काकोरी की एक घटना को अंजाम दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी जैसे क्रांतिकारियों को उस समय गिरफ्तार किया था। और भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में रखा गया था और आज ही के दिन 1927 में उन्हें गोरखपुर में फांसी की सजा हुई थी। ऐसे ही अशफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्रनाथ लाड़ी को भी अयोध्या, प्रयागराज और गोंडा की जेल में रखकर के फांसी की सजा दी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतना भयभीत थी कि राजेंद्रनाथ लाड़ी को जो 19 दिसंबर की तिथि तय हुई थी फांसी देने की, उससे दो दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को उन्होंने जल्दीबाजी में फांसी के फंदे पर लटकाया था। लेकिन क्रांति की ज्वाला इन क्रांतिकारियों के बलिदान के परिणाम स्वरूप और तेजी के साथ आगे बढ़ती गई, और इसी का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हुआ। आज इस देश की आजादी का अमृत महोत्सव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने प्रत्येक भारतवासी को पंच प्रण की याद दिलाई थी, और पंच प्रण में सबसे पहला प्रण था कि हर भारतवासी गुलामी के अंशों को सर्वथा समाप्त करेगा। गुलामी का अंश जहां कहीं होगा, किसी भी रूप में होगा, उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे। विरासत का सम्मान करेंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ धाम, अपने क्रांतिकारियों के बलिदान स्थल को भव्य स्मारक के रूप में आगे बढ़ा करके उनके प्रति सम्मान का भाव, ये विरासत का ही सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात प्रत्येक भारतीय को दी है, आत्मनिर्भर भारत और एक सशक्त भारत की उस कथा को वो कहता है जो पूरी दुनिया को न केवल सुरक्षा देगा बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व देकर के लोक मंगल की कामना के साथ
विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, जब ये देश गुलाम था, किस प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। काकोरी में जो ट्रेन एक्शन थी उसमें मात्र 4600 रुपए का खजाना था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी क्रांतिकारियों को पकड़ने में ही 10 लाख रुपए खर्च किए थे और बिना मुकदमों को पूरा सुने रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दे दी गई। गोंडा में 2 दिन पूर्व ही यानी 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाड़ी को फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिशों का सामना करते हुए भले उनके हाथों में नहीं आए, लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं ही अपने पिस्टल की गोली से अपने आप अपने शहादत को अपने बलिदान अपने बलिदान की कथा को स्वयं लिखा था। एक अनगिनत कथा है। और फिर गोरखपुर और उत्तर प्रदेश तो क्रांति की इस धरती का सीधे सीधे गवाह रहा है। 1857 का प्रथम स्वतंत्र समर उत्तर प्रदेश में ही जन्मे हुए मंगल पांडे की हुंकार से प्रारंभ होता है। बैरकपुर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए जाने वाले गाय और सुअर की चर्बी के बने हुए कारतूसों का इस्तेमाल करने से इनकार करके उन्होंने कहा था हम भारतीयों पे गोली नहीं चलाएंगे, और उस समय जिस प्रकार की हुंकार उन्होंने भरी थी उसके परिणाम स्वरूप देश का प्रथम स्वतंत्र समर 1857 में प्रारंभ होता है। गोरखपुर में भी 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में बंधु सिंह के नेतृत्व में एक बड़ा अभियान प्रारंभ हुआ। गोरखपुर में तमाम ऐसे क्षेत्र थे जिन क्रांतिकारियों ने 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में मजबूती के साथ आगे बढ़ करके क्रांति की स्लोक को आगे बढ़ाने का काम किया था, देश के स्वतंत्र समर को आगे बढ़ाने का काम किया था। गोरखपुर में 1922 में चोरी चोरा की ऐतिहासिक घटना, चोरी चोरा के किसानों ने मजदूरों ने गांव के नागरिकों ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए उसके खिलाफ एक नई हुंकार भरी थी। भारत के इतिहास में चोरी चोरा की घटना के रूप में विख्यात है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डोहरिया में ऐतिहासिक घटना घटित हुई थी। एक लंबी प्रक्रिया है। आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर के दौरान 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी से हुंकार भर रही थी। धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में मेरठ के अंदर इस क्रांति की लोक आगे बढ़ाने का कार्य हुआ था। कोई जिला कोई कस्बा ऐसा नहीं था जिसने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग न लिया हो। और उस उत्तर प्रदेश की धरती से हम सब हैं। जब आज हम काकोरी बलिदान दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इस भव्य ड्रोन शो के साक्षी बनने जा रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने इन क्रांतिकारियों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा के रूप में स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखपुर में गोरखपुर की जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के भव्य स्मारक को पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने बनाकर के मैं आज सुबह से देख रहा था, हजारों की संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं गोरखपुर में जेल में जाकर के उस फांसी स्थल को देख रहे थे जहां पर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। ये गोरखपुर में ही हम लोगों ने महान क्रांतिकारी अस्पाउल्ला खां के नाम पर गोरखपुर प्राणी उद्यान का नाम गोरखपुर में अस्पा क्रांतिकारी अस्पाउल्ला खां के नाम पर रखा है। और गोरखपुर में ही हम लोगों ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए जहां पे बंधु सिंह के नाम पर गोरखपुर के किसी स्थल का नामकरण गोरखपुर का
जो हमारा ड्राइविंग ड्राइवर टेस्टिंग का जो हम लोगों का यहां पर केंद्र है, ऑटोमेटिक जो सेंटर है, उसका नाम हमने अमर बलिदानी बंधु सिंह के नाम पर उसका नामकरण भी रखा है, किया है। यानी एक परंपरा उन बलिदानियों के प्रति। गोरखपुर के होमपैथ कॉलेज का नाम जो बड़हलगंज में है, 1857 के एक अमर बलिदानी के नाम पर उसका भी नामकरण है। अनेक परंपराएं हैं और उस परंपरा के हम सब वर्तमान के वारिस हैं। हम सबका दायित्व बनता है हम अपने इन क्रांतिकारियों के उन भावनाओं को, जो सपना उन्होंने उस कालखंड में देखा था, वह सपना था 15 अगस्त 1947 में साकार तो हुआ, लेकिन एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के इस अभियान के साथ हर भारतवासी को जुड़ करके आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य पर्व पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिन पंच प्राणों की बात की है, उसके अनुरूप हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। आज के इस अवसर पर जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा है, भाइयों बहनों, आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है कि जो ब्रिटेन हम पर 200 वर्षों तक शासन करता है, उस ब्रिटेन में को पछाड़ करके भारत आज दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका दुनिया की जीडीपी पर 85% अधिकार है, दुनिया के 75% व्यापार पर जिनका अधिकार है, दुनिया की 60% आबादी जहां पर निवास करती है, इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही पेटेंट के 90% कार्य जिन देशों में होते हैं, उस G20 के देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी 1 दिसंबर से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव का इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और दूसरा नहीं हो सकता, और इसलिए इस अवसर पर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के इस अभियान का हिस्सा हम सब बनेंगे, इस भव्य ड्रोन शो का हिस्सा बनेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर अपने इन सभी अमर बलिदानियों को, जिनके बलिदान से देश आजाद हुआ, उन ज्ञात अज्ञात उन सभी बलिदानियों को, अमर बलिदानियों को नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब उन अमर क्रांतिकारियों के बलिदान से प्रेरणा प्राप्त करते हुए हम भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि और नवल इंजन सरकार के उन सभी कार्यक्रमों को, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करते उसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, असफाउल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाड़ी, चंद्रशेखर आजाद जैसे इन सभी महापुरुषों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय को इस भव्य ड्रोन शो को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में महान बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बलिदान भूमि गोरखपुर में आयोजित करने के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। राजा रामचंद्र जी की भेटी है, जिन्होंने धर्म, मर्यादा और त्याग की ऐसी अमित लकीर खींची जिसके बिना भारतीय संस्कृति की कल्पना ही संभव नहीं है। इसी धरती पर त्याग किए थे भगवान बुद्ध ने अपने राजसी वस्त्र और विश्व को पढ़ाया था सत्य और अहिंसा का पाठ। इसी मिट्टी ने पैदा किए तुलसी, वेदास, मूलदास और बोला साहब जैसे तत्व ज्ञान, और इसी धरती पर हिमाचल की ज्वाला देवी से भिक्षा ग्रहण करते हुए गुरु गोरखनाथ ने अपने कदम रखे और अपनी भूमि चलाई, तब इस धरती को मिली एक नई पहचान, एक नया नाम।
गुरु गोरखनाथ द्वारा बताई गई योग साधना और ज्ञान ने भारतीय चिंतन परंपरा और संत आंदोलन को नई दिशा प्रदान की। गुरु गोरखनाथ की उसी साधना स्थली पर खड़ा है जगत प्रसिद्ध विशाल गोरखनाथ मंदिर। ये बात मंदिर नहीं है बल्कि नाथ परंपरा ज्ञान और साधना का सबसे बड़ा पीठ बन गया है। सैकड़ों वर्षों तक गुलामी की जंजीर में बंधी भारत की इस धरती पर जब अंग्रेजी जुल्म और अन्याय हद से आगे बढ़ता गया तब आजादी के बंटवारे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाहिड़, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खान, मंगत राय और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को सबक सिखाने 9 अगस्त 1925 को लाहौरी स्टेशन से चली 8 डाउन ट्रेन को लखनऊ स्टेशन पहुंचने से पहले ही रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया और विदेश जा रहे भारतीयों के पैसे को अपने कब्जे में कर लखनऊ की तरफ रवाना हो गए। हाथ आया खजाना हाथ से चले जाने से बौखलाई ब्रिटानी सरकार ने जगह जगह छानबीन और छापेमारी शुरू कर दी। देश के अलग अलग हिस्सों से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद्रशेखर आजाद अभी भी आजाद थे। 21 लोगों पर मुकदमा चला और राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा सुना दी गई। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई करने वाले राजेंद्र लाहिड़ी को कलकत्ता के दक्षिणेश्वर से पकड़ा गया और उन पर कोई रोकने का आरोप लगाया गया। फांसी पर चढ़ने से पहले राजेंद्र लाहिड़ी ने कहा, मौत को जीवन की दूसरी दिशा है और जीवन मौत की दूसरी दिशा फिर मौत से कैसा है। स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित शाहजहांपुर के राम प्रसाद बिस्मिल आजादी के दीवानी युवाओं की प्रेरणा थे। बिस्मिल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कर आजादी के दीवानी युवाओं की ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 19 सितंबर 1927 को गोरखपुर जेल में स्वाधीनता का सपना आंखों में सजाए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। स्वतंत्रता संग्राम की बलि वेदी पर दिए गए ये 4 बलिदान प्रेरणा बने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे युवा क्रांतिकारी। ऐसे ही लाखों भारतीयों के त्याग और बलिदान की ताकत ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए विवश किया और भारत माँ के माथे पर आजादी का अपना तिरंगा लहरा उठा। ऐसे अनगिनत बलिदानों और त्याग से मिली हमारी ये आजादी अनमोल है, अमृत रूपी है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत का उभरना सिर्फ एक हिस्सा बात नहीं है बल्कि अमर शहीदों की कल्पना और लाखों भारतीयों के राष्ट्रवादी जज्बे का प्रतीक है। इसका एक बड़ा उदाहरण केंद्रीय विस्तार परियोजना जो आज पूरे विश्व के सामने भारत के गौरव उत्थान एवं उन्नति का प्रमाण बन चुकी है। आजादी का अमृत महोत्सव इन अमर बलिदानों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का महोत्सव है। उन्हीं बलिदानों की प्रेरणा ले आज भारत वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर नई आजादी का अनुभव कर रहा है और उत्तर प्रदेश की ये धरती कर्मयोगी यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में
खड़े हो न्याय और विकास के मार्ग पर अग्रसर है। भारतवर्ष विश्व गुरु बनने के मार्ग पर आगे बढ़ चला है। इसी का नतीजा है कि आने वाले वर्ष 2023 की G20 समिट की अध्यक्षता भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपी गई है। भारत की धरती पर होने वाले इस G20 समिट का उद्देश्य वाक्य है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य। वसुधैव कुटुंबकम की ये मूल भावना भारतीय जीवन दर्शन ज्ञान और बलिदान की भी मूल भावना की है। हम सब मिलकर वसुधैव कुटुंबकम की अपनी इस भावना को वैश्विक मंच पर साझा और जिंदा करें। एक्ट के अभियुक्त गोपाल यादव व नीरज यादव की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि कैंपियरगंज थाना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के अपराधी की 1 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया है, जिनकी पहचान गोपाल उर्फ राम गोपाल यादव पुत्र स्वर्गीय महेश यादव निवासी ग्राम भिटाहा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा नीरज यादव पुत्र स्वर्गीय पंचदेव यादव निवासी भिटाहा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत अभियुक्त गोपाल यादव व नीरज यादव की ग्राम भिटाहा थाना सहजनवा में स्थित 1 मंजिला 2 मकान ग्राम भिटाहा की भूमि व मकान जिसकी बाजार में कुल कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सहजनवा व कैंपियरगंज पुलिस ने जब्त किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, मिलल नहीं नहीं ऐसे कह के चले वो तो कर चबिया के किया था। अरे साहब हमरे चबिया में हम घर के मोटर भी हमार बना दिए बोले स्त्री ये की हमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना कैंपियरगंज पुलिस द्वारा अपराधियों रामगोपाल यादव तथा नीरज यादव के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत कार्रवाई की गई।
उक्त कार्रवाई के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों की लगभग 1 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 2 प्लाट व 2 मकान शामिल हैं, उसको जिलाधिकारी महोदय के आदेश से कुर्क किया गया। उक्त दोनों अपराधियों पर 5-5 मुकदमे पंजीकृत हैं तथा दोनों अपराधी शातिर एवं दबंग किस्म के हैं। उक्त दोनों अपराधियों की संपत्ति को चिन्हित करके उक्त कार्रवाई आज मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में थाना कैंपरगंज द्वारा की गई। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इंद्रपाल बिहार स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा से भारत जोड़ो यात्रा महानगर में निकाली गई, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा इस उद्देश्य के साथ निकाला जा रहा है जिससे सभी वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा, हम लोगों ने नारा दिया है कि नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो कि पूरे देश में गूंज रहा है, जो कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में निकाला जा रहा है। हम लोग का पूरा उद्देश्य है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। वहीं इस संबंध में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहा है। गोरखपुर में प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई है, जो कि गोरखपुर से निकलकर सहजनवा तक जाएगी। राहुल गांधी की मेहनत को देखते हुए हमने प्रण लिया है कि नंगे पैर गोरखपुर से सहजनवा तक जाएंगे और हम लोगों ने शपथ लिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, तौफीक आलम, प्रदेश सचिव दिलीप निषाद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान, जिला कांग्रेस कमेटी, भारत जोड़ो यात्रा पूरे भारत को जोड़ने का काम किया है राहुल गांधी जी ने। आदरणीय वीरेंद्र चौधरी जी प्रांतीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जा रही है गोरखपुर में, और भाईचारा एकता बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा गोरखपुर टाउन हॉल से सहजनवा में समापन है। आज राहुल गांधी जी को देखते हुए, उनकी तपस्या को देखते हुए, हमने खाली पैर चलने का 22 किलोमीटर ये शपथ ले लिया है कि अगले सत्र में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है, ये मेरा प्रण है जी। इसका मकसद समाज में व्याप्त नफरत और डर के माहौल को खत्म करके आपसी भाईचारा बढ़ाना है। संदेश यही है कि आप आपस का नाता जोड़ो और नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, काकोरी बलिदान दिवस पर आयोजित भव्य ड्रोन शो में लिया प्रतिभाग। महानगर में 3 रैन बसेरों का किया निरीक्षण। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। मंगलवार को जनता दरबार में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद। दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना।
सीएम योगी ने किया महानगर में 3 रैन बसेरों का निरीक्षण, ठहरे जरूरतमंदों में वितरित किया भोजन, रैन बसेरों में रुकने वाले नागरिकों से व्यवस्था के लिए जानकारी, कहा हर जरूरतमंद को दे रैन बसेरे में अच्छी सुविधा, रैन बसेरों के बाहर अन्य जरूरतमंदों को भी मुख्यमंत्री के हाथों मिला भोजन व कम्बल का संबल। काकोरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में हुआ देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पीएम मोदी के पंच प्रणों से जुड़े हर एक नागरिक। गैंगस्टर एक्ट के तहत गोपाल यादव और सहयोगी नीरज यादव की 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया जब्त, एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इंद्रपाल बिहार से महानगर में निकाला गया भारत जोड़ो यात्रा, कहा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का किया जा रहा है कार्य, 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थली जिला कारागार पर जाकर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि, कहा जब जब देश पर संकट आया है मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के बचाई है देश की अस्मिता। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के समापन के अवसर पर एमजे इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन, 4 दिवसीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में गोरखपुर के जेल में श्रद्धांजलि सभा एवं यज्ञ हवन का किया गया आयोजन, शहीद अशफाक उल्लाह खान के पौत्र अशफाक उल्लाह खान ने कहा आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्हें नमन। और काकोरी एक्शन में बलिदानी वीर सपूतों के स्मृति में काकोरी क्रांति बलिदानी नायकों का श्रद्धा पर्व विषय पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान का किया गया आयोजन, मुख्य अतिथि एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा काकोरी के बलिदानी वीर अमर शहीदों ने आजादी की खातिर दिया था बलिदान जिससे आंदोलन को मिल सके एक नई दिशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर बलिदानी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के बलिदान दिवस के अवसर पर शहीद स्थली जिला कारागार पर जाकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं उस पवित्र स्थली को नमन कर अपनी श्रद्धा सुमन करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित किया, जिसके संबंध में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि मां भारती के वीर सपूत देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह की शहादत दिवस है। इन बलिदानियों ने अपना जीवन का त्याग अंग्रेजी शासन के प्रभुत्व के खिलाफ व देश को दासता से मुक्त करने के लिए किया था। देश के प्रति इनकी सच्ची निष्ठा और अटूट भक्ति करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करती रहेगी। काकोरी कांड के महानायक अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह जी ने अपना जीवन देश सेवा करते हुए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। हम सभी को इनके त्याग और बलिदान के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। जब जब देश पर संकट आया है मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके अस्मिता बचाई है। वीर सपूतों के बलिदान दिवस पर हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम चैन की सांस ले रहे हैं, इसके पीछे इन महापुरुषों का बलिदान है। यदि ये महापुरुष नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। काकोरी कांज के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भारत के युवाओं को एक नई दिशा और आयाम दिया कि देश हित से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। हम आज पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस अवसर पर विधायक सहजन व प्रदीप शुक्ला, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राहुल श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महामंत्री देवेश श्रीवास्तव, महानगर उपाध्यक्ष दयानंद शर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, रणवीर
विजय शाही, शशिकांत सिंह, महानगर मंत्री अजय श्रीवास्तव, प्रेमनाथ शुक्ला, विश्मिल नगर मंडल अध्यक्ष आनंद अग्रहरी, राप्ती नगर मंडल अध्यक्ष अजय मणि त्रिपाठी, जितेंद्र बहादुर चंद, कृष्ण कुमार, गौरव तिवारी, निखिल मोटानी, विष्णु श्रीवास्तव, मंतालाल यादव, अनिल शर्मा, रंजन कुमार श्रीवास्तव, मीरा दुबे, प्रशांत सिंह, डीएन यादव, अमित सिंह, सूर्यवंशी, शिशिर वर्मा, अमृतलाल भाटी, अमित दुबे, रामगति निषाद, विकास राय, दादा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, बस्ती जनपद से हमारे आर्यवीर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, वंदे भारत वीरों की जय, प्रसाद प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, प्रसाद बिस्मिल अमर रहे, बिस्मिल तेरा यह बलिदान जो लिखे थे ना सब हाथ से लिखे थे, भाई तो हम एक साथ मिला दिया ना, हाथ चारों तरफ लिखा था, एक साथ मिला दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के इस शहादत दिवस पर सर्वप्रथम हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। आज ही के दिन इसी जिला जेल में उनको फांसी दी गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने अपने आज अपने जीवन को आज ही बलिदान किया था। आज इस शहादत दिवस पर हम लोग इस जिला जेल में आकर के उनको शहादत करते हैं, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। क्या कहें उनके बारे में? उनके बारे में एक आदर्श हैं। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे इस नौजवान वीरों ने इस देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। इस देश की जनता, इस देश की युवा पीढ़ी इनसे अपने इनके चरित्रों पर चल करके देश के विकास की भागीदारी बनेगी। आने वाले समय में ये युवा पीढ़ी इस देश की भविष्य बनेगी। जिस तरह से राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इस देश को आज़ाद कराया था, उसी तरह से युवा पीढ़ी इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करेगी। यही इनके बलिदान दिवस से आज हम सबको सबक मिल रही है। आज ही के दिन भारत माँ के अमर सपूत पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने देश के लिए बलिदान दिया था। आज के दिन गोरखपुर के जिला जेल में उनकी फांसी हुई थी और शहीदों का जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है,
वो एक देश के नागरिकों के लिए, देश के युवाओं के लिए एक तीर्थस्थल होता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने वो 4 महीना पहले जहां जेल में जिन कमरों में रहते थे उन 3-4 कमरों को भी और जहां उनकी फांसी हुई थी इन सब को आज पर्यटन की दृष्टि से विकसित करके देश के नागरिकों के लिए, देश के युवाओं के लिए उन्होंने इसको सार्वजनिक रूप से एक पर्यटन के रूप में विकसित किया है। और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं जो आकर के अपने शहीद का अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनके कोठरी में जहां वो निवास करते थे, जहां से जाकर के उनकी फांसी हुई थी, उन सबको तीर्थस्थल के रूप में आकर के यहां दर्शन कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने माँ भारती के लिए जो बलिदान दिया है उनसे प्रेरणा लेकर के हर देशभक्त, हर विद्यार्थी जो यहाँ आएगा उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा होगा, भारत माँ के लिए कुछ कर गुजरने के लिए काम करेगा। मैं आज के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और सभी देशभक्त नागरिकों की तरफ से पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी के श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नेशनल एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को एमजी इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किए, जिसके संबंध में संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि ललित कला महोत्सव कार्यक्रम के तहत चल रहे 4 दिन के कार्यक्रम का समापन हुआ है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रतियोगिता से बच्चों को बड़े प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है। इस तरह की प्रतियोगिता के आयोजन से बच्चों का माइंड तेज होता है और उनको एक नया रास्ता मिलता है, क्योंकि आने वाले दिनों में सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं और प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। इस अवसर पर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक योगेंद्र नाथ सिंह ने कहा, 16 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर आज संपन्न हो रही है। राम नारायण लाल जी, हर नारायण लाल जी, प्रकाश नारायण लाल, श्री कृष्ण जी, सरो श्रीवास्तव से उच्च अधिकारी हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुख्य अतिथि माननीय गंगा दयाल श्रीवास्तव जी, सोसाइटी के सचिव माननीय मंकेश्वर नाथ पांडे जी, प्राचार्य प्रधानाचार्य राम नारायण लाल कन्या इंटर। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य जी कॉलेज राम नारायण लाल कन्या इंटर कॉलेज, प्रकाश खान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सुभाष जी के द्वारा उद्घाटित किया गया, आज उसका समापन का दिन है, पुरस्कार वितरण का दिन है। और हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में इस जनपद के नहीं बल्कि मंडल के शिक्षा प्रशासन के अगुआ माननीय योगेंद्र नाथ सिंह जी, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक गोरखपुर मंडल के पद पर आसीन है। और यह तो पद की बात है, मैं उनके बारे में इतना कहना चाहूंगा कि बहुत कम समय की सूचना पर बनारस से उत्तर प्रदेश माध्यमिक विद्यालयों की खेलकूद की प्रतियोगिता प्रांत स्तर की 10 से 15 दिसंबर तक 15 को खत्म हुई और 16 से यह ललित कला प्रारंभ हुई। और आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश के 18 मंडल और लगभग 2000 से ज्यादा खिलाड़ी, पहले कहीं पे भी उन खिलाड़ियों को भोजन की व्यवस्था नहीं दी जाती थी, योगेंद्र नाथ सिंह जी ने अपने नेतृत्व में, अपने देख रेख में उन बच्चों को, प्रदेश के स्कूली माध्यमिक बच्चों को अपने परिवार का बच्चा समझ के
उनके लिए जो सुख सुविधाएं जुटाई हैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा उस दिन मंच पर हुई। और माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी और अध्यक्षता कर रहे ध्रुव कुमार त्रिपाठी एमएलसी साहब ने आपको मंच से साधुवाद दिया। मैं भी उस लोभ को, चूंकि वहां मुझे सम्मान के लिए आपने बुलाया था, ये मेरे मन में था कि ऐसे व्यक्ति से हम गोरखपुर जनपद के विद्यालयों को सीखना चाहिए, हम प्रबंधक गण को, प्रधानाचार्य गण को सीखना चाहिए। दिव्या कुमारी को सांत्वना पुरस्कार प्राप्त हुआ है, सेंट्रल पब्लिक स्कूल की हैं दिव्या कुमारी। पूज्य जी, जो भी पुरस्कार लेने आए वो मुख्य अतिथि के बाईं ओर खड़े हो लें ताकि फोटोग्राफर फोटो। इंटर कॉलेज प्रथम स्थान प्राप्त किया है आपने। प्रश्न, गुणतम प्रश्न जिसे हम कहेंगे वह पूछता है। अजीत यादव सांत्वना पुरस्कार मिला है एमजी इंटर कॉलेज को, सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर विमेन नाजिया खातून, सुम्बुल फातिमा सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर विमेन तृतीय स्थान, सरिता प्रजापति। अभी मैंने कहा था जो आप देंगे वह अपने लिए भी आपको मिलेगा। प्रथम स्थान पर है सांभवी श्रीवास्तव सेंट्रल पब्लिक स्कूल गोरखपुर। मंच के बाईं ओर खड़े होते जाएं, एक ग्रुप फोटोग्राफ होगी। सबसे प्रतिभागियों को भी पुरस्कार मिला। डिवाइन पब्लिक स्कूल अनाया सिंह, डिवाइन पब्लिक स्कूल तृतीय स्थान। डिवाइन पब्लिक स्कूल की ये भी है। और प्रियांशी गुप्ता एनई रेलवे गोरखपुर, सेंट्रल पब्लिक स्कूल गोरखपुर। ताली बजनी चाहिए बच्चों। वरिष्ठ वर्ग में तृतीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है। अच्छा, मुझे समझ, माध्यमिक में डॉक्टर राजेश जी। वर्ग में 6 से 8 तक डीएल नेशनल पब्लिक स्कूल। और तृतीय स्थान प्राप्त किया है महात्मा गांधी इंटर कॉलेज के सेंसर हाउस जो प्रोजेक्ट था उसके अंतर्गत आर्यन गुप्ता। ललित कला के नाम से 4 दिन का कार्यक्रम महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के तत्वावधान में, जो ये मैनेजमेंट की एक 4 विद्यालयों की कड़ी है, उसमें रामनारायण विद्यालय भी सम्मिलित है, उसके तत्वावधान में ये कार्यक्रम आज आयोजित हुआ। और इस पर बच्चों ने जो भी अपना मुकाम बनाया है, जो बच्चे प्रथम द्वितीय तृतीय रहे हैं उनको ये विद्यालय सम्मानित कर रहा है, पुरस्कृत कर रहा है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात विद्यालय परिवार के साथ साथ बच्चों के लिए नहीं होगी। ये बहुत ही गौरव का विषय है कि बच्चों ने इसमें प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाया और उन्होंने पुरस्कार जीता है। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में 19 दिसंबर 1927 को फांसी दी गई थी। उन्हीं की याद में गोरखपुर के जेल में श्रद्धांजलि सभा एवं यज्ञ हवन का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में कारागार अधीक्षक ओपी कटियार ने बताया कि काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लखनऊ के सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद उन्हें गोरखपुर जेल लाया गया, जहां पर उन्हें 19 दिसंबर 1927 को प्रातः 6:30 बजे फांसी दी गई। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। वह काकोरी कांड जैसी कई घटनाओं में शामिल थे। आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें नमन कर रहा है। उन्होंने कहा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल शहीद स्थल पर मेला लगता है, आर्य समाज के द्वारा प्रतिवर्ष हवन कराया जाता है, जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। उन्होंने कहा कि कारागार प्रशासन की तरफ से खिचड़ी, रोटी और गुड़ की व्यवस्था कराई जाती है। जितने भी दर्शक आते हैं उनको प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस अवसर पर जेलर अरुण कुमार कुशवाहा, पूर्व महापौर सत्या पांडे, नगर आर्य समाज के प्रधान प्रहलाद गुप्ता, मथुरा प्रसाद, ईश्वर चंद्र आर्य, प्रमोद आर्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वैशाली विहार से आए अध्यापक सुरेश प्रसाद गुप्ता, कारागार अधीक्षक ओपी कचियार एवं शहीद अशफाक उल्ला खान के पौत्र अशफाक उल्ला खान ने कहा। देना। देना।
मैम आइए आप लोग। हेलो हेलो, आज जो यज्ञ होता है आर्य समाज की तरफ से, इससे जो उपस्थित है उनके कर्मबद्ध निवेदन है, सब लोग कह दिए मेरे या उसके संचार बना रहे, आंखों में देखने की शक्ति, हाथों में काम करने की शक्ति, पैरों में चलने की शक्ति और पूरे शरीर में भी प्रार्थना उपासना करें। गोरखपुर महानगरे जिला कारागारे बिस्मिल बलिदान स्थले वैदिक यज्ञ वेदी एक अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,000 123 51 युगावधे 2079 198 दयानंदावधि दक्षिणायने भास्करे हेमंत्रित देवजन पिशे अग्निमरनादमरनादाया। और एक एक संविधा अपने हाथ से लगा दें, एक एक संविधा लगा करके तब बैठे, एक लगाने Yeah.
डॉक्टर सुरेश प्रसाद गुप्ता वैशाली बिहार से। बच्चे को घुमाने लाए हैं। कहाँ अभी गोरखपुर? कहाँ कहाँ गोरखपुर? गोरखपुर रक्षा में घूमे हैं, सुबह में हवन जग किए हैं, यज्ञ किए हैं, उसके बाद खाना पीना खा करके फिर बच्चों को साथ यहाँ लेके आए। कैसा लगा आपको गोरखपुर? बहुत अच्छा लगा। यूपी सरकार बहुत अच्छा, योगी सरकार जो किए हैं अभी तक यूपी के लिए, उतना कोई सरकार नहीं किया। पहली बार आए आप गोरखपुर? नहीं, उसके पहले भी आए। बहुत अस्पताल का अंतर है। प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को कारागार परिसर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जो शहीद स्थल है वहाँ पर मेला लगता है। आर्य समाज गोरखपुर की तरफ से प्रत्येक वर्ष हवन कराया जाता है, हजारों लोग इसमें शामिल होते हैं, आहुति देते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम है और जो है गुरु कृपा संस्थान गोरखपुर है जिसके श्री ब्रजेश राम त्रिपाठी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन कराते हैं। चार दिन पहले से ही यहाँ सभी कार्यक्रम की साफ सफाई के लिए तैयारी में लग जाते हैं, उनकी पूरी टीम लगती है, उनको भी हम बधाई देते हैं और जेल प्रशासन की तरफ से हमारे समाज गोरखपुर को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि वो यहाँ गोरखपुर और आसपास के तमाम जनपदों की जनता को जागरूक कर रहे हैं ताकि उनको ये मालूम हो कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में किन किन बलिदानियों ने जो है अपना बलिदान दे दिया और अपने परिवार घर परिवार की कोई चिंता न करते हुए और उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ ब्रिटिश हुकूमत को हमारे देश से भगाने के लिए, हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने जो है उनसे संघर्ष किया और अपने प्राणों की आहुति दी। सर आज के दिन किस तरह की तैयारी की जाती है? आज के दिन जो है परिसर तो वैसे हमेशा ही साफ रहता है लेकिन आज के दिन पूरे परिसर जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का जो कक्ष है जहां पर वो 4 महीना 10 दिन रहे थे उसकी भी पूरे कक्ष की पुताई कराई जाती, पूरी पेंटिंग कराई जाती है और जो फांसी घर है उसकी भी पेंटिंग कराई जाती है, साफ सफाई कराई जाती है। कारागार प्रशासन की तरफ से खिचड़ी और रोटी और गुड़ की व्यवस्था कराई जाती है। जितने भी लोग दर्शक यहाँ पर आते हैं दूर दराज से उनको सबको खिचड़ी और रोटी और गुड़ का प्रसाद जो है वो उनको खिलाया जाता है। हवन भी क्या गया? हवन भी जो है आर्य समाज की ओर से प्रत्येक वर्ष कराया जाता है जिसमें पूरा जेल प्रशासन हवन करता है और यहाँ आई हुई तमाम आम जनता भी हवन करती है, आहुति देती है। बहुत खुशी है कि आज मेरी हाजिरी ऐसे पवित्र स्थान पर हुई है जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम क्षणों में इस देश के लिए बहुत जेलों में अपना वक्त देकर और फांसी के फंदे को चूमा है। आज पूरे देश के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे वीर क्रांतिकारियों के जन्मदिन और उनकी शहादत पर, बलिदान पर हमें आज के उन ख्यालात को, उनके विचारों को और आगे नौजवानों तक बढ़ाना चाहिए। हम सबका कर्तव्य है कि आज पूरे देश में कार्यक्रम काकोरी के शहीदों को हो रहे हैं और आज यहाँ आप त्रिपाठी जी के बुलावे पर कल भी कार्यक्रम हुआ और आज जेल के प्रशासन ने भी यहाँ अच्छी व्यवस्था की है और कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे हाजिरी का मौका मिला। मेरा सौभाग्य है कि आज जिस यहाँ मुझे श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मुझे बुलाया गया। धन्यवाद। अशफाकुल्ला जी के बारे में क्या कहेंगे? शहीद अशफाकुल्ला और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बेमिसाल दोस्ती थी। आर्य समाज मंदिर शाहजहाँपुर का इस बात का गवाह है कि दोनों वहाँ गुलामी की बेड़ियाँ तोड़ने के लिए विचार विमर्श करते, अशफाकुल्ला एक तरफ नमाज पढ़ते और बिस्मिल जी उसी प्रांगण में हवन पर बैठते, ये एक ही थाल में खाना खाया करते। और जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्ला ने दी है हमें उसे पूरे देश में बरकरार रखना है और इस भारत माँ की आज़ादी, जो खूबसूरत आज़ादी मिली है, उस आज़ादी में हमें बहुत अच्छी तरीके से भाईचारे के साथ इस देश की तरक्की के साथ लगना है। दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर के राजनीति विज्ञान विभाग एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में अमृत महोत्सव के अंतर्गत काकोरी ट्रेन एक्शन में बलिदानी वीर सपूतों की स्मृति में काकोरी क्रांति बलिदानी नायकों का श्रद्धा पर्व विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के सभागार में आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने वीर अमर शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता समर के बलिदानी महानायक शास्त्र एवं शस्त्र दोनों विधाओं में पारंगत थे। एक तरफ उन्होंने अपनी लेखनी से स्वतंत्रता आंदोलन को
वैचारिक गति प्रदान किया तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी विचारधारा को पोषण व संबल के लिए काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया ताकि उस प्राप्त धन से शस्त्रों की व्यवस्था हो और शीघ्र भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि काकोरी के अमर बलिदानी महानायकों में राजेंद्र लहड़ी को गोंडा जेल, अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद जेल, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल एवं ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के मलाका जेल में फांसी दी गई तथा अन्य क्रांतिकारियों को काला पानी व कारावास मिली। ब्रिटिश साम्राज्य के इस निर्णय से हमारे क्रांतिकारी हतोत्साहित नहीं हुए बल्कि अपने प्राणों का बलिदान कर क्रांतिकारी आंदोलन को एक नया दिशा प्रदान किया और यह घटना स्वतंत्रता आंदोलन में मील का पत्थर साबित हुआ। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के खेल व युवा मामलों के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक, डॉक्टर प्रियंका सिंह, संयोजक इंद्रेश कुमार पांडे, शैलेश कुमार सिंह, डॉक्टर अखिल कुमार श्रीवास्तव, डॉक्टर आर पी यादव, डॉक्टर कमलेश मौर्य, अंकित पांडे सहित राजनीति विज्ञान विभाग के समस्त विद्यार्थी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए दिग्विजय नाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओ पी सिंह ने कहा, वंशज हम हैं, वरना कहीं न कहीं आने वाली नस्लें इस नाते मैं फिर कहूंगा, इनके सिद्धांतों से, इनके मुद्दों से, इनके जज्बातों से भटकना कहीं न कहीं हमारी वल्दियत पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और दुनिया में किसी भी इंसान की वल्दियत का प्रश्न चिन्ह खड़ा हो इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती। तो हम किनके वंशज हैं ये याद रहे और ये भाव बरकरार रहे कि खून के बदले जो दे देते हैं आजादी, उनसे कह दो कि खून दोबारा ले लें, उनसे कह दो। दूसरी बात जो मैंने सोचा कह दूं, उनको जो उद्घोषक थे उस समय के, उन्होंने कहा कि आज के विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय कलाम साहब से अनुरोध करेंगे कि दो शब्द कहें, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब तक संचालक के आदेशों की अवहेलना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ दो शब्द कहने के लिए कहे थे और मैंने तो आधे घंटे का प्रवचन आपको दिया, लेकिन बात दो शब्दों में भी कही जा सकती है और वो दो शब्द गांठ बांध लीजिए जीवन में, अगर आपके मन में है तो आप हमेशा एक अलग पहचान में होंगे। वो दो शब्द क्या है, उन्होंने जो दो शब्द मुझे बताए आपको बता दे रहा हूं, उनका वो दो शब्द है, जय हिंद। आप देश में नई क्रांति आई थी। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आजादी एक ऐसा शब्द है जो प्रत्येक भारतवासी के रगों में खून बनकर दौड़ता है। अंग्रेजी शासन के द्वारा हमें इस प्रकार जकड़ लिया गया है कि हमारा देश आज पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में बुढ़ापे की ओर अग्रसर होने लगा। आज हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं तथा पूरे विश्व में भारत की एक पहचान है। हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं तथा हमारा अपना संविधान है, लेकिन जरा सोचिए कि क्या हमें ये स्वतंत्रता बिना किसी प्रयास के मिले? नहीं, स्वतंत्रता पाने हेतु हमने अथक प्रयास किए। भारत माँ के कई सपूतों ने अपने खून से आजादी नामक इस वृक्ष को सींचा है, अपने लहू से सींचा है आजादी के मतवालों ने, अपने लहू से सींचा है आजादी के मतवालों ने, दे दी अपनी जान भारत माँ के लालों ने। ये काकोरी के जो अमर शहीद हैं, आज ही के तीन शहीदों को फांसी की सजा हुई थी, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर की जेल में, अशफाकुल्ला खां जी को फैजाबाद की जेल में और शहीद रोशन सिंह को इलाहाबाद की जेल में। तो इस क्रांति के उद्घोष करने वाले अभिनव क्रांतिधर्मी प्रयोगधर्मी लोगों के प्रति पूरे राष्ट्र के तरफ से एक कृतज्ञता का भाव प्रकट होना चाहिए, उनको नमन करने के लिए, उनके प्रति अपनी क्रियात्मक श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन हुआ है, जिसमें मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में गोरखपुर के एसपी ग्रामीण डॉक्टर अरुण कुमार सिंह हमारे बीच आए हैं, उनका उद्बोधन हुआ है और साथ में
युवा और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री रह चुके डॉक्टर विवराज चंद कौशिक जी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में हैं। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। काकोरी बलिदान दिवस पर आयोजित भव्य ड्रोन शो में लिया प्रतिभाग। महानगर में 3 रैन बसेरों का किया निरीक्षण। मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। मंगलवार को जनता दरबार में फरियादियों की सुनेंगे फरियाद। दोपहर बाद लखनऊ के लिए होंगे रवाना। सीएम योगी ने किया महानगर में 3 रैन बसेरों का निरीक्षण। ठहरे जरूरतमंदों में वितरित किया भोजन। रैन बसेरों में रुकने वाले नागरिकों से व्यवस्था के लिए जानकारी। कहा हर जरूरतमंद को दे रैन बसेरे में अच्छी सुविधा। रैन बसेरों के बाहर अन्य जरूरतमंदों को भी मुख्यमंत्री के हाथों मिला भोजन व कम्बल का संबल। काकोरी बलिदान दिवस पर गोरखपुर में हुआ देश का सबसे बड़ा ड्रोन शो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विश्व मानवता का मार्ग प्रशस्त करेगा भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पीएम मोदी के पंच प्रणों से जुड़े हर एक नागरिक। गैंगस्टर एक्ट के तहत गोपाल यादव व सहयोगी नीरज यादव की 1 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर कैंपियरगंज थाने की पुलिस ने किया जब्त। एसपी नॉर्थ ने दी जानकारी। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इंद्रबाल बिहार से महानगर में निकाला गया भारत जोड़ो यात्रा। कहा भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हर वर्ग को जोड़ने का किया जा रहा है कार्य। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतकर राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। देश की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के शहीद स्थली जिला कारागार पर जाकर भाजपाइयों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कहा जब जब देश पर संकट आया है मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के बचाई है देश की अस्मिता। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा आयोजित ललित कला महोत्सव के समापन के अवसर पर एमजे इंटर कॉलेज के ग्राउंड पर पुरस्कार वितरण समारोह का किया गया आयोजन। 4 दिवसीय प्रतियोगिता में चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर किया गया सम्मानित। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की याद में गोरखपुर के जेल में श्रद्धांजलि सभा एवं यज्ञ हवन का किया गया आयोजन। शहीद अशफाक उल्लाह खान के पौत्र अशफाक उल्लाह खान ने कहा आज कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन्हें नमन। काकोरी एक्शन में बलिदानी वीर सपूतों के स्मृति में काकोरी क्रांति बलिदानी नायकों का श्रद्धा पर्व विषय पर दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में व्याख्यान का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा काकोरी के बलिदानी वीर अमर शहीदों ने आजादी की खातिर दिया था बलिदान जिससे आंदोलन को मिल सके एक नई दिशा। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।